हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। जीतपुरा गांव पिछले कई सालों से पीने के पानी के लिए तरस रहा है। लोगों का आरोप है कि ग्राम सचिव और सरपंच की मनमानी के चलते यहां अभी तक पानी मयस्सर नहीं। लोगों का कहना है कि इन्हें पानी मोल खरीद कर पीना पड़ता है, यानी खरीदना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सचिव और सरपंच ने अपने कुछ चहेतों के घर तक तो पानी पहुंचा दिया, लेकिन इनका हिस्सा भी इन्हें नहीं मिला। इस संदर्भ में ग्रामीण 4 दिन पहले पूर्व जिला उपायुक्त से मिले थे, लेकिन 4 दिन पहले जिला उपायुक्त से मिले थे, वहां भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर इन्हें पानी नहीं मिला तो ग्राम सचिव और सरपंच के चहेतों को भी पानी नहीं देंगे। पानी की समस्या है, हमारा पूरा पंडतों में पानी नहीं जा रहा और ये 50 घरों में पानी नहीं जा रहा और दूसरा गाँव में ये पानी जोड़ा जा रहा है, 3 इंची पाइप जा रही है। और गाँव का कुछ लोग ऐसे है जो हमारे ब्राह्मणों में पानी नहीं जोड़ने दे रहा है और दो दो घरों खातिर ये पाइप जा रही है, दूसरा गांव में जा रही है रोज भर में, जबकि वहाँ 3 ट्यूबवेल है। और यहाँ पर मतलब ये ट्यूबवेल मंजूर करवाया था और ये भी इसको ये पानी कुदा दिया तो यहाँ जोड़ने नहीं दे रहे। समस्या है क्या? पानी को न कर रहे, दुखी भाव में पानी खाता तो बाम कर जाए के देख का कहीं का पानी हो तो। समस्या ये है, ये 1.5 साल पहले ये समरसिबल लगा था और अब तक गांव में इसकी सप्लाई नहीं हुई है और बाहर ले जाने के लिए, दूसरा गांव में ले जाने के लिए इसको मतलब कुछ जो सामाजिक तत्व ऐसे हैं जो मतलब इसको दूसरे गांव में पहुंचाना चाहते हैं और गांव में नहीं पहुंचाना चाहते हैं।